नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एग्जाम पाथफाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई पोस्ट की जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगी, और साथ ही मैं ये भी बता दूँ जो पोस्ट का नाम है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई है, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या फिर उसके इक्विवेलेंट की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ में अगर आपके पास पीएचडी है तो वो एक एडेड एडवांटेज की जैसे काउंट किया जाएगा। गाइज, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मेंशन की गई है। तो जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपके पास सीजन्ड प्रोफेशनल इंश्योरर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एकेडमिटिशियन की आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और साथ में आपके पास नॉट लेस देन यानी कि आपके साथ पास 15 साल से ज़्यादा की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए क्लोजिंग डेटा ऑफ द एडवर्टीजमेंट में। साथ में गाइज, ये जो एज ऑफ द एप्लीकेंट जो आपको सेट किया गया है वो 61 ईयर्स का सेट किया गया है फॉर द पोजिशन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। गाइज, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस आपके पास मेंशन की गई है, और यहाँ पे दो एक ईमेल और एक ऑफलाइन दोनों के लिए डाली गई है। तो मतलब ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये कंपोजिट है, यानी कि दोनों तरीके से आप सेंड कर सकते हो। जो लोग ईमेल करने में कंफर्टेबल है वो ईमेल कर सकते हो, और जो लोग ऑफलाइन फॉर्म सेंड करने में कंफर्टेबल है वो ऑफलाइन कर सकते हो। तो जो ऑफलाइन अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए जो एड्रेस है वो है IIRM सर्च कमिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद 500032। गाइज, इस एड्रेस पे आपको अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जो लोग ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हैं। साथ ही ऑनलाइन के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी दी गई है, और वो जो ईमेल आईडी है वो है searchcommittee@iirmworld.org.in। गाइस, इस एड्रेस पे आपको अपना ये फॉर्म सबमिट करना है, यानी कि आपको ईमेल पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो लोग भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हों। गाइस, आप जब यहाँ नीचे आते हो तो आप अटैचमेंट सेक्शन में दो अटैचमेंट्स देखते हो, इंग्लिश एडवर्टीजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये जो इंग्लिश एडवर्टीजमेंट है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इनमें से ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने कैंडिडेट्स के लिए देती है, जैसे कि आपकी पे रोल क्या होगी, आपकी एज लिमिट क्या है, आपके पास कौन कौन से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। साथ ही गाइज, अगर आप ऑलरेडी सरकारी जॉब या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम या फिर आप ऐसे IIT JEE में एडमिशन या फिर नीट के बाद मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन के लिए अगर आप प्रक्रिया में अगर ऑलरेडी आप ये सब प्रोसेस में हो, तो आपको मैं बता दूं कि आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके पास प्रॉपर डिटेल्स रहे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com से डायरेक्टली हमारे अटैचमेंट सेक्शन से डाउनलोड भी कर सकते हो। गाइज, मैं आपको बता दूं, जिनको ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी डेट की, किसी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होती है वो मिस हो जाती है, लेकिन फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वो लास्ट डेट दोबारा से रिवाइज करती है, या फिर आपको इसके बारे में आपको अगर नहीं पता होता है तो आप ये सोच के मान बैठते हो तो कि आपका वो डेट निकल गया, पर वो डेट एक्चुअली नहीं निकला होता है, आपको रिवाइज डेट के बारे में नोटिफिकेशन आती ही नहीं है। तो गाइस, अगर आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस से अगर आपको नहीं गुजरना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म से सारे आपको इम्पॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको सबसे पहले देते हैं। और गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं, जो अटैचमेंट सेक्शन में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, PDF फॉर्म में भी कर सकते हो। जब आप इसे यहाँ से डाउनलोड करते हो ना, आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट की ये नाम दी गई है, साथ ही जो पोजिशन है उसके बारे में आपके पास रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस मेंशन कर दी गई है, साथ में जो क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताई वो सेम मेंशन है। आप यहाँ देख सकते हो, जो डायरेक्टर के लिए जो पे रोल है वो 3 लाख पर मंथ का है, साथ में आपके पास एडेड बेनिफिट्स होंगे। साथ ही आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे टेन्योर भी मेंशन की गई है कि आपकी जो 65 साल की जो एज है उस तक आप अप्लाई कर सकते हो। गाइस, आपको मैं यहाँ बता दूँ, जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताई थी वो यहाँ पे भी मेंशन की गई है, क्योंकि जिनको ईमेल के द्वारा अपना फॉर्म सबमिट करना है वो इस ईमेल आईडी पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
आप जब यहाँ नीचे आते हो ना, तो आप यहाँ पे देखते हो ये एप्लीकेशन की एक पूरी फॉर्मेट है। इसमें आपको अपना फुल नेम लिखना है, साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ, आपके पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है, साथ में मेंबरशिप एंड कमिटी वर्किंग ग्रुप में। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है जो आपको अटैच करना है अपने एप्लीकेशन के साथ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस फॉर्म को सबमिट करने में या आप इस फॉर्म को फिल करने में या फिर समझने में कोई भी इशू आती है, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म पर इस फोरम बटन को क्लिक कर सकते हो। जब आप क्लिक करते हो, आप हमारी कम्युनिटी फोरम पे आते हो। आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे एक राइट अ रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइट अ रिप्लाई के सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज या फिर अपने डाउट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और हम आपको आपके रिप्लाईज देंगे। गाइस इसके हेल्प से आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म बनाई गई है, ये सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। साथ ही मैं आपको मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो देखते वक्त भी कुछ इशू आती है ना, तो आप डायरेक्टली इस ये जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो सो दैट वीडियो देखते वक्त अगर कोई इशू आए, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस लिंक पे टैप करके हमारे फोरम तक आ सकते हो, यहाँ पे अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। साथ ही गाइज आप वीडियो किस एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।